काशीपुर में हड्डी जोड़ रोग की पहली मोबाइल मेडिकल वैन का शुभारंभ हो गया है। ये मोबाइल वैन आधुनिक सुविधाओं से लैस है। वैन में अत्याधुनिक एक्सरे मशीन भी लगाई गई है। मुरादाबाद रोड स्थित KBR हॉस्पिटल में हड्डी एवं जोड़ रोग की पहली मोबाइल मेडिकल वैन का शुभारंभ हुआ। भाजपा के प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी और वरिष्ठ भाजपा नेता दीपक बाली ने संयुक्त रूप से फीता काटकर वैन को रवाना किया। KVR हॉस्पिटल के हड्डी एवं जोड़ रोग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर तरुण सोलंकी ने बताया कि ये इस क्षेत्र की पहली मोबाइल क्लिनिक है, जिससे क्षेत्र की जनता के साथ साथ आसपास की जनता को भी लाभ मिलेगा। डॉक्टर तरुण सोलंकी ने बताया कि ये मोबाइल क्लिनिक एक एयर कंडीशनर OPD से सुसज्जित है। इसमें मरीज के बैठने व लिटाकर चेक करने की सुविधा उपलब्ध है। इसमें एक विशेष प्रकार की अत्याधुनिक एक्सरे मशीन लगाई गई है, जिससे मरीजों का मोबाइल यूनिट में ही एक्सरे करके प्रिंट निकालने की सुविधा भी उपलब्ध है। भाजपा नेता दीपक बाली ने कहा कि इस मोबाइल यूनिट से बूढ़े और गरीब लोगों को फायदा मिलेगा। जो लोग आने जाने में असमर्थ हैं, उनका समय पर ही बेहतर इलाज हो सकेगा। इसके सबसे बड़ी खासियत है कि इसके अंदर एक एक्सरे यूनिट लगाई गई है। जैसा कि पहले के टाइम में अभी भी बहुत जगहों पे बहुत ही हैवी यूनिट्स होती हैं, जिनको कहीं भी लेके जाना बहुत मुश्किल काम होता है, पर इसके अंदर बाहर की कंपनी से हमने टाई अप करके इसके अंदर एक एक्सरे यूनिट लगाई, जो कि बहुत ही छोटी है। पेशेंट को उसी में हम एक्सरे करके उसे मुहैया करा सकते हैं, उसे उसकी बीमारी बता सकते हैं, उसे उसी में दवाई दे सकते हैं और सारा इलाज उसका करा जा सकता है। ये एक तरीके से अभी पहले मोबाइल क्लिनिक की तरह काम करेगा कि जो जो एरियाज में मरीज यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, जो अपने दर्द से परेशान है, खासकर हमारे बुजुर्ग लोग जो पहाड़ों में रहते हैं, दूर दराज, उनको लाने वाला कोई नहीं है यहाँ पे कि यहाँ लेके आए एक्सरे कराए, ये वहां तक जाएगी, उनके एक्सरे करेगी, उन्हें बताए। आज ये जो मोबाइल वैन जो यहाँ पर मेडिकल सुविधाओं से सुसज्जित है, ये दूर दूर के, जैसा कि पहाड़ है उत्तराखंड के अंदर, दूरस्थ जो जगह है वहाँ पर भी ये जाएगी और लोगों को इससे, मुझे लगता है कि जनता को स्वास्थ्य लाभ में इससे बहुत बड़ा फायदा पहुँचेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।